सर, ये ले मनाली रोड के स्टेटस के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि काफी इंक्वायरीज आ रहा है कि क्यों नहीं छोड़ा। जी हाँ, हमारे पास भी काफ़ी इंक्वायरीज है ये लेह मनाली, हमारा जो नेशनल हाईवे उसको लेके, क्योंकि लेह में जो स्पेशली कंस्ट्रक्शन मटेरियल सीमेंट हो सरिया, उसकी थोड़ी कमी लग रही है यहाँ पे। तो आपको पता है जैसे बीआरओ हमारे दोनों तरफ से, जो हमारी बीआरओ की टीम काम करती है, उन्होंने एक हैंडशेक किया था पिछले महीने, और उसके बाद में क्योंकि मौसम ख़राब रहा है, 2-3 बार जो है स्नोफॉल हुआ है, तो हमारी तरफ से जो है सरचू तक रोड अभी क्लियर है। जो हमने अभी लेटेस्ट अपडेट लिया था डीसी लाहौल स्पीति से, तो उन्होंने बताया कि हमारे तरफ से ठीक है, बट जो बारालाचा लास से उसके उनके साइड में छोटा वाला एरिया है, वो थोड़ा सा रिस्क प्रोन है, और वहाँ पे ज़्यादा वाइडनिंग नहीं हुई है। तो उस वजह से अभी लाहौल साइड से जो है उन्होंने कहा था कि अभी हमने अलाउ नहीं किया था, लेकिन आज ही मैंने उनसे बात की है। इससे पहले भी हमने 2-3 बार बात की थी, बट उस टाइम पे रोड कनेक्ट नहीं हुआ था। तो अभी रोड तो कनेक्टेड है, बट बारालाचा लास से उस साइड वाला थोड़ा सा नैरो पोर्शन है, बता रहे थे जो डीसी साहब ने हमें बताया उनकी तरफ से। बट हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इसको थोड़ा जल्दी खोले, क्योंकि हमारे यहाँ से कुछ लोग भी वहाँ पे फंसे हुए हैं, हमारी गाड़ियाँ भी वहाँ पे फंसी हुई है एसेंशियल सर्विसेज के लिए, या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे मैंने पहले कहा। तो हमारा प्रयास रहेगा इसको जल्दी से जल्दी ओपन करने का, शायद 2-3 दिन में हम इसको खोल पाए। और पहले में प्रायोरिटी हम देंगे जो हमारे यहाँ से लोग फंसे हुए उनको देंगे, फिर उसके बाद में हम बाकी मटेरियल और बाकी वाली गाड़ियाँ यहाँ से छोड़ने के लिए उनको रिक्वेस्ट करेंगे। सर, कुछ सोशल मीडिया में कुछ वीडियो आ रहा है जहाँ पर लोगों का कहना है कि दरसिया साइड में जो ले की तरफ आने वाला कम से कम 40-50 बड़े ट्रक फंसे हैं, तो उनका कहना है कि ले से वहाँ तक गाड़ी पहुँच चुका है लेकिन उनको नहीं छोड़ा गया है। नहीं, वही मैं आज ही हमने बात की थी डिस साहब से, तो उनका वही कहना था, अगर दरचा में, क्योंकि दरचा शायद बारलाचाला के बाद ही आता है, तो वही बता रहे थे कि बारलाचाला वाला जो स्ट्रेच है वो थोड़ा सा रिस्की और थोड़ा सा वाइडनिंग नहीं था वहाँ पे, और कि कोई भी बड़ी गाड़ी ऐसे जब यहाँ से नहीं गई है, और वहाँ से भी कोई बड़ी गाड़ी आई नहीं है। छोटी गाड़ियाँ जो इनोवा कुछ दो कल या परसों कुछ गाड़ी आई थी उन साइड से, कुछ ऑफिसर्स आ रहे थे, बट उसमें साथ में बीआरओ की टीम लगी थी, इसलिए उनको निकाला गया था शायद वहाँ से। तो हमने डी साहब से वही बोला है लाहौल साइड से, क्योंकि मेजर पोर्शन जो है जो अभी रिस्की है या फिर जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, वो हिमाचल साइड में है। हमारे तरफ से जो है सरचू तक रास्ता ठीक है, वहाँ पे गाड़ियाँ चल सकती है। तो हमारी वही कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इसको ट्रैफिक वर्दी बनाए, और इंश्योर करें कि ट्रैफिक इस पर मूवमेंट अपना शुरू करे। आखिर में सर, हम संडे या मंडे तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? हाँ, हम संडे या मंडे तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज मुझे कोई बता भी रहा था कि कुछ वोटर्स भी उस साइड में फंसे हुए, तो हम तो ट्राई करेंगे कि उनको जल्दी जल्दी बाय संडे इवनिंग यहाँ पे पहुँच जाए वो लोग, या उससे पहले भी पहुँच जाए। तो मैं फिर से डिस साहब से वो टेकअप करूंगा, और साथ ही में बीआरओ से भी हम टेकअप करेंगे कि एक सेफ पैसेज जो है हमारे जो वोटर्स है, यहाँ के इलेक्टर्स है लद्दाख के, उनको जल्दी जल्दी यहाँ पे पहुँचाया जाए।